Hello viewers, welcome to our YouTube channel Educated Assam. यह हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है जिसमें आसाम पुलिस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का पेपर डिस्कस किया गया है. इस वीडियो में मैं आज मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो हमने ऑलरेडी फर्स्ट 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. आज हम 9 से 34 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो शुरू करते हैं. G20 समिट 2019 वाज हेल्ड इन कहाँ पे? इसका आंसर होगा ओसाका. और 2020 वाला कहाँ हुआ था? होना है, सॉरी, दिस ईयर कहाँ में होगा? रियाद में. रियाद का स्पेलिंग है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरविंद कुमार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th. श्री रामेश्वर तेली इज कौन से मिनिस्टर है वो? श्री रामेश्वर तेली है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री. फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है. उनका और एक फैक्ट क्या है वो जान लीजिए कि वो बीजेपी के एमपी हैं. बीजेपी एमपी है कहाँ से? डिब्रूगढ़ से. डिब्रूगढ़ से वो बीजेपी एमपी हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, हु हैज़ बीन अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 2019? इसका आंसर होगा उद्धव भराली. उद्धव भराली को आप जानते होंगे, वो एक फेमस क्रिएटर है, इनोवेटर है, नए नए इन्वेंशंस करते रहते हैं. सो उसके लिए उन्हें एक सिविलियन अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड, जो कि 4th highest सिविलियन अवार्ड है. 4th highest सिविलियन अवार्ड है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो आपको पता होगा. फर्स्ट है भारत रत्न, सेकेंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण. ओके, सो नेक्स्ट है 13th, रियान पराग इज अ, इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं रियान पराग? सो इसका आंसर होगा क्रिकेट. रियान पराग इज अ क्रिकेटर. और एक बात है कि आईपीएल खेलते हैं वो, कौन सा टीम के लिए खेलते हैं? तो इसका आंसर होगा राजस्थान रॉयल्स. नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, विलेज रॉकस्टार्स वाज डायरेक्टेड बाय, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रीमा दास. ओके, नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिमस्टेक? सो बिमस्टेक में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं. तो उन 7 के नाम हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान. इनमें से नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश भी है बिमस्टेक में, सारे हैं, बस किर्गिस्तान नहीं है. सो दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ बिमस्टेक. ठीक है, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज रीनेम्ड एज, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है राज्यसभा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है, हु कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन वोट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो हमें पता है कि लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, ये लोग तो वोट कर ही सकते हैं. बहुतों को कंफ्यूजन है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में. सो इसका आंसर होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कैन नॉट वोट, नहीं वोट कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. देयर वोट डज नॉट काउंट.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मोनोपोली इज एसोसिएटेड विद, मोनोपोली यानी कि किसी एक का ही, किसी एक बिजनेस में सिर्फ एक ही कंपनी का रुतवा होना, एक ही कंपनी की बोलती होना, सो ऐसा टाइप का कंडीशन कौन से टाइप के इकोनॉमी में होता है? कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म। सो कैपिटलिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, विच इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। अभी एज इट स्टैंड्स अभी तो सारे के सारे आपको यूनियन टेरिटरी लगेंगे, लेकिन जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था तब तक लद्दाख वॉज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, लेकिन अभी लद्दाख भी है। सो अभी ये क्वेश्चन यू कैन से इज नॉट वैलिड। फिर नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, होल्स इन ओजोन लेयर आर कॉज्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है सीएफसी, सीएफसी यानी क्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है, क्योंकि नो इंटरनेशनल बाउंड्री तो ठीक है, तिनसुकिया इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी इंटरनेशनल बाउंड्री और कामरूप भी नहीं है। तिनसुकिया इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई तिनसुकिया कम्प्लीटली अरुणाचल से कवर्ड है, और कामरूप रूरल भी मेघालय से कवर्ड है, बट करीमगंज और धुबरी आर टच बांग्लादेश। सो इसमें दो क्वेश्चंस है, सॉरी दो ऑप्शंस है जो टच करते हैं और दो ऑप्शंस है जो टच नहीं करते हैं। सो ये क्वेश्चन में दो मॉडर्न, मतलब दो क्वेश्चंस सही हैं, इसमें तिनसुकिया भी होगा, कामरूप भी होगा। ये दिखाने के लिए मैंने मैप भी ऐड किया है, देखते हैं हम। देखिए धुबरी है यहाँ पे, यह है बांग्लादेश, यहाँ में बांग्लादेश है, यहाँ बांग्लादेश है पूरा, मेघालय यहाँ में कहीं में ऐसे करके है, यह है ओके, हाँ ऐसे करके ये पूरा बांग्लादेश है, ये मेघालय है, यहाँ पे कामरूप रूरल है, सॉरी ये कामरूप मेट्रो है और ये कामरूप रूरल है 26 नंबर। फिर धुबरी है 32 नंबर, जो देखिए आप इधर टच कर रहा है, इतने पार्ट में टच कर रहा है, और यहाँ में ये करीमगंज है, करीमगंज यहाँ टच कर रहा है बांग्लादेश को, यहाँ टच कर रहा है। और तिनसुकिया इज कवर्ड बाय अरुणाचल, दिस वे नंबर वन। सो मुझे थोड़ा डाउट है, शायद धुबरी होना चाहिए, बट करीमगंज भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। ओके, नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, कॉइन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉइन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका आंसर होगा सुक्लेन मुंग, गोरगैया राजा, गोरगैया राजा। ठीक है, इसका आंसर है सी। फिर 24th क्वेश्चन है, नाम घोषा किसने लिखा था? ये लिखा था श्री माधव देव ने। ओके, फिर 25th क्वेश्चन है, हु रोट कारेंगोर लिगिरी,
कारेंग और लिगी जी किसने लिखा था? ये लिखा था ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने, ज्योति प्रसाद अग्रवाला। फिर नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, होम डिड भास्कर बर्मन सेंड एज एम्बेसडर टू हर्षवर्धन? ये बहुत पुराना केस है, अराउंड 7th सेंचुरी का केस है, सो बहुत पहले का आपको सोचना होगा, बहुत पुराना हिस्ट्री है। सो भास्कर बर्मन ने किसको भेजा था? उन्होंने भेजा था हंग सवेग को भेजा था हर्षवर्धन के पास में एज एन एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, वेयर वॉज माधव देव बॉर्न? माधव देव कहाँ बॉर्न हुए थे? लेटेकू पुखुरी। इसका आंसर है लेटेकू पुखुरी। फिर है 28th क्वेश्चन, विच असमिस फिल्म वॉज रिलीज इन 1935? इसका आंसर है जॉयमोती। 29th क्वेश्चन है, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एनक्लोज्ड इन अ रूम देन, मतलब एक रूम में बहुत सारे लोग अगर हैं, बंद है, एक बंद रूम में घुसे हुए हैं, सो तब क्या होगा? आपको तो पता ही है, लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अगर एक रूम में बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारा ऑक्सीजन लोग अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे। सो इसमें एक ही ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फिट करता है, विच इज़ सी, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, क्योंकि ऑक्सीजन तो इंक्रीज होने का चांस है ही नहीं, यहाँ में चांस है ही नहीं, तो तीनों ऑप्शंस कट वैसे ही हो गए, ओनली सी रिमेन्स। सो 30th क्वेश्चन कैसा है देखिए, योर डॉक्टर गेव यू 7 कैप्सूल्स टू बी टेकन 1 at 2 hours इंटरवल, आपको 7 कैप्सूल्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो ये आपने 0 hour में मान लीजिए शुरू किया, फिर ये आफ्टर 2 hours, आफ्टर 4 hours, आफ्टर 6 8 10 12, 12 में आपने 7 टैबलेट्स ख़त्म कर दिए। सो दिस इज़ द 30th क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, बागारुम्बा इज़ द डांस ऑफ, ये किसका डांस है? ये बोरोस का डांस है। फिर टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम डी एंड ई यू विल, हम लोग क्या करेंगे? ये है कॉलम डी और ये है कॉलम ई, डी और ई के बीच में अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको इससे सिलेक्ट करना होगा, ई को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसमें आपको इंसर्ट करना है, वो सब करना होगा, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तब ये नीचे जाएगा, उसके बीच में 3 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। सो इसका आंसर होगा 32B, सिलेक्ट कॉलम ई। ठीक है, नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर? सो इसका आंसर है आप अपने व्यू मेन्यू में देखेंगे तो आपको उधर मिल जाएगा हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, सो 34th क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सॉरी रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, इसका कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सेल। ये सब एक्सेल का क्वेश्चन है, 32nd क्वेश्चन भी एक्सेल का था, ये वाला वर्ड का है, ये वाला फिर से अगेन एक्सेल का है। सो इतने ही क्वेश्चंस थे, 9 से 34 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, सो वेट फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपने एन्जॉय किया होगा ये सेशन, सो
अगले बार तक के लिए गुड बाय गुड बाय। एंड